दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पहली नजर। दोस्तों कोलकाता के सत्संग भवन में स्वामी अनंत बोध चैतन्य महाराज जी पधारे हैं, उनसे आज हम लोग चर्चा करेंगे इस विशेष इंटरव्यू में। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है युवा शक्ति में आपका। धन्यवाद स्वामी जी। कोलकाता के सत्संग भवन में आप पधारे हैं और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि शक्ति साधना जो 24-22 तारीख को होने जा रही है सत्संग भवन में, थोड़ा उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को जरा दें। ओम श्री मातरे नमः जी। शक्ति जीवन का मूल है। हमारे जीवन में यदि किसी भी क्षेत्र में आपको उन्नति करनी है तो शक्ति की साधना के बगैर, शक्ति की आराधना के बगैर जीवन में उन्नति की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। शक्ति कोई ऐसा नहीं है कि शक्ति का मतलब एनर्जी, जैसे आपके मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है तो वो भी एक प्रकार की एनर्जी से ही चार्ज होता है ना, उसी प्रकार हमारा जीवन भी साधना से ही चार्ज होता है। तो साधना का मतलब ये कोई यही नहीं है कि साधना मतलब हाथ जोड़ कर मंदिर में बैठना ही साधना है। साधना का मतलब दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति, उसमें फिर उसको कार्यान्वित किया जाए, क्रिया शक्ति। भाई जब तक आपका दृढ़ संकल्प नहीं है तो इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति के अभाव में कुछ भी चीज़ संभव नहीं है, आप कर नहीं पाएंगे। करते हुए भी आपके अंदर सामर्थ्य होते भी आप नहीं कर पाएंगे बिना इच्छा के, आप सोच लो। तो उसके बाद फिर क्रिया शक्ति, जब तक उसको क्रियान्वित करने के लिए आप मेहनत नहीं करेंगे, आप कार्यान्वित नहीं करेंगे उसको, इफ़ यू विल नॉट टेक एनी एक्शन, लाइक फर्स्ट प्लान योर वर्क देन वर्क योर प्लान। जब तक इच्छा का मतलब उस प्लानिंग के लिए है और वर्क का उसका क्रियान्वयन को लेकर है, तो क्रिया शक्ति बहुत आवश्यकता है। जब तक अब आप यहाँ हैं, आप कार्य कर रहे हैं, कि जब तक उसको कोई भी इच्छा आपने कर ली, जब को उसको प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे तो वो पूरा नहीं होगा। बिल्कुल। तो क्रिया शक्ति के द्वारा उसको क्रियान्वित करना पड़ता है। तो इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों शक्तियों के द्वारा ही उत्थान संभव है, नहीं तो उत्थान की परिकल्पना संभव नहीं है। मुझे एक सवाल मन में आता है कि आजकल, पहले हम लोग देखते थे कि जो प्यासा होता था वो कुआं के पास जाता था, वहाँ जाकर कुएं से जल निकालता था और अपने तृष्णा को बुझाता था। लेकिन आजकल क्या है कि जो पंडित हैं, जो गुरुदेव लोग हैं, वो हमारे पास पहुंच रहे हैं शिक्षा देने के लिए, सभाएं कर रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, शक्ति साधना जैसी कार्यक्रम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग के पास समय नहीं है कि हम लोग गुरुदेव के पास जाएं। पहले हम लोग देखते थे कि भाई मुझे ज़रूरत था तो मैं जाऊंगा गुरुकुल, मैं जाऊंगा आपके पास कि आपसे कुछ जानकारी लेने के लिए। अब गुरु जो हैं वो घर 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 मोहल्ले मोहल्ले मैदान मैदान पहुँच रहे हैं और चेलों को कहीं ना कहीं आशीर्वाद दे रहे हैं या अपने आशीर्वचन बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति अब भारतवर्ष में क्यों ये पैदा हो रही है कि चेले कम हैं और बहुत ज़्यादा कथावाचक कहिए या फिर जो गुरुदेव कहिए, गुरु कहिए, उसकी संख्या बढ़ रही है और वो हमारे घर घर मोहल्ले मोहल्ले मैदान मैदान पहुंच रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, जो आपका क्वेश्चन है एक प्रकार से जी थोड़ा जलेबी जैसा है, सीधा है। मैं समझ गया आपका क्वेश्चन को जी। ये कलयुग है और ये कलयुग में स्पष्ट लिखा है, जब सुनने वाले कम होंगे सुनाने वाले ज़्यादा होंगे, जब घर घर कथा हो चलने लगेगी, हर कोई अपने को कथाकार मानने लगेगा और सुनने वाले श्रोता कम हो जाएंगे धर्म में, वो कलयुग का समय आएगा। ऐसा है, हजारों साल पहले हमारे जो ऋषि महर्षियों ने भागवत महापुराण में, अन्य पुराणों में बहुत जगह ऐसा लिखा गया है। ये कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, धीरे धीरे कलयुग पनप रहा है। अभी कलयुग अपनी उस पर है चरम, तो कहूँगा नहीं, लेकिन एक युवा उसमें अवस्था में कलयुग है, तो ये होना ही है। इसमें ये कोई गलत नहीं हो रहा है, ऐसा ही होना था, लिखा हुआ था, ऐसा ही होना है। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, देखिए ये कोई जरूर नहीं है कुआ प्यासे के पास। कभी 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 तो पता क्या है, ये मेघ बरसते हैं ना, जो संत होते हैं वो मेघ होते हैं, वो कुएं नहीं होते। बिल्कुल। और संत एक जगह नहीं रहते, बहुत बड़ी बात, संत सभी जगह जाते हैं। जैसे संत बरसते हैं, मेघ बरसते हैं, वो मानव मात्र के लिए बरसते हैं, उसे कोई प्यासा हो चाहे छिका हो, उसे कोई मतलब नहीं उनको,
उनको बरसने से मतलब होता है, उनको अपनी मस्ती से मतलब होता है, अपने ज्ञान से मतलब होता है। और भगवती का जो ज्ञान है ना, उसके बारे में कहा गया, अपूर्व कोशो विद्यते तो भारती व्यय क्रियते वर्धते छह मापनोति संचयात। जो विद्या का विद्या है यह अपने आप में अपूर्व है, इसको जितना बांटोगे बढ़ेगी। हमारी तो परंपरा है, हम जो परंपरा से हैं, ये परंपरा जैसे टकसाली साधु होते हैं ना, हमारी ये परंपराएं हैं। संन्यास जो दस नाम संन्यास की परंपरा है, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा है, उन्होंने तो देखिए जेल में दुनिया भर के सारे कैदी आते हैं जी। लेकिन जेल में सारे कैदी नहीं होते, जेल में कोई जेलर भी होता है। भाई जेलर क्यों गया जेल? कैदी ने तो कोई अपराध किया होगा, उसके कारण उसको सजा मिली। जेलर को किस बात की सजा? जेलर भी तो सजा ही भोग रहा है जेल में रह करके। जेलर वो दूसरों के कल्याण के लिए गए हैं। तो जो संत हैं कलयुग में आए हैं और जो महापुरुष हमारी परंपरा में बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, वो जेलर का काम कर रहे हैं। वो यहाँ आए हैं इस समय में, वो दूसरों को सुधारने के लिए आए हैं, वो किसी उसके लिए नहीं आए, कल्याण करने, कल्याण के लिए हैं। और ये कल्याण की भावना है। और हम भी घर घर जाकर कुछ काम नहीं कर रहे भैया, हम तो अपने स्थान पर आए हैं। ये हमारे दादा गुरु का, हमारे परदादा गुरु का बना हुआ स्थान है। हमारे स्थान पे बैठ के हमारी बात कहेंगे, जिनको आना है सुने, जिनको ना आना है वो अपने घर रहें। बाकी हम बुलाते सभी को हैं। हम यदि 10 लोगों को कहेंगे, 20 लोगों को कहेंगे, 50, जो हमारा जो कहने का तात्पर्य है, यदि 2 लोग भी अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हम सोचते हैं हमारा बोलना धन्य हुआ। भगवान ने वाणी दी है ये कल्याण करने के लिए, शास्त्र वचन कहने के लिए, या ये हमारी जो मानव जीवन को, हम अपने जीवन को तो हमने जैसा कैसा बनाया है, लेकिन हम दूसरों को भी आगे बढ़ाएं, दूसरों को भी सन्मार्ग पर प्रवृत्त करें, इसके लिए हम ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं शक्ति की उपासना। आज शक्ति की नितांत आवश्यकता है जीवन में। आज लोग शक्तिहीन हैं, श्रीहीन हैं। आप देखो, चेहरे देखो, नौजवान लड़के हैं वो कोई नशे में, कोई किसी चीज़ में, डिप्रेशन में, इतनी समस्याएं तो कभी थी नहीं जितनी आज हैं। है? तो आज ज़्यादा आवश्यकता है, ज़्यादा आवश्यकता है। तो इसीलिए आपने जो कहा, मैं गुरु जी मैं आपसे एक सवाल करूँगा। दोस्तों हमारे साथ इस वक्त स्वामी अनंत बोध चैतन्य महाराज जी हैं, उनसे मैं पूछूंगा एक सवाल। गुरु जी, अभी एक ज्वलंत मामला चल रहा है कि देवी देवताओं के ऊपर में फिल्म बनाई जा रही है, और कहीं ना कहीं उसे विवादित कटघरे में खड़ा कर दिया जा रहा है, और उसके बाद बहुत सारे नेता जो हैं वो भी उन फिल्म पर विवादित टिप्पणी दे दे रहे हैं, जिससे और विवाद जो है वो पूरी तरह से गहराता जा रहा है। तो आपको आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? अभी जो काली फिल्म आई, सस्ती लोकप्रियता पाने का एकमात्र लोग पता क्या, शक्ति लोकप्रियता पाने के लिए ऐसे दुष्कर्म कर रहे हैं। मैं इसको बिल्कुल निंदनीय कहता हूँ, ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे देवी देवताओं का अपमान हमें सनातन धर्मियों को नहीं सहना चाहिए। हमने तो उसकी भर्त्सना भी की, लेकिन क्या है कि हमारे सनातन धर्मी लोग हैं ना, अभी गर्दन काटना उतारे नहीं है, शुरू नहीं किए, करी तो बतेरी है। महाभारत हिंदुओं ने किया था, रामायण भी हिंदुओं ने लड़ी थी, रामायण में राक्षस हिंदुओं ने ही मारे हैं, राक्षस महाभारत में भी हजारों लाखों लोग जो मारे हैं वो हिंदुओं ने ही मारे हैं। तो अभी हमारे हिंदू जागे नहीं है, जिस दिन जागेगा कोई ऐसी गलती नहीं करेगा। चलिए, आप शक्ति की भूमि पर हैं और ये शक्ति साधना 22 तारीख को होने जा रहा है। दोस्तों गुरु जी क्या संदेश देना चाहेंगे? और हमारे चैनल का अभी नाम युवा शक्ति है, तो क्या युवाओं को क्या कहेंगे थोड़ा बताइए। देखिए, युवा अपने आप में हमेशा शक्ति रहा है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं ही कहना चाहूँगा, युवा शक्ति ही इस देश को सुधारेगी। और निश्चित ही मैं भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से युवाओं में शक्ति का संचय हो, ऐसी भगवती से प्रार्थना है। ओम श्री मात्रे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का। और दोस्तों आप लोग देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पर नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।